नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटका के मंत्री ने सिद्धरामैया को टीपू सुल्तान की तरह खत्म करने के बयान पर जताया खेद। निकी यादव हत्याकांड मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा ने फूंका बगावत का बिगुल, पत्र लिखकर जेडीयू कार्यकर्ताओं को बताई डील की बात। ललन सिंह बोले, सब मनगढ़ंत कहानी। पेशावर मस्जिद ब्लास्ट से बेहद कमजोर लग रहा पाकिस्तान, आतंकियों को कंट्रोल करने में तालिबान से मांगी मदद। नाबालिग भांजी से मामा ने किया रेप, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, साथ में 2 लाख का दंड। मारोली अतिक्रमण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए को हलफनामा दायर करने का दिया आदेश। जिसके हथियार से रूस ने यूक्रेन में मचाया कत्लेआम, अब वही देश बन गया चीन का बेस्ट फ्रेंड, जाने दोस्ती के मायने। सिंगापुर में एनआरआई भारतीय महिला को दी नस्ली गालियां, छाती पर मारी लात, कोर्ट में आबी की सुना रो पड़ी पीड़िता। पूर्व सेनाध्यक्ष बाजवा के खिलाफ इमरान खान ने खोला मोर्चा, राष्ट्रपति अलवी को लिखा पत्र, जांच की मांग। मध्य प्रदेश, घनघोर जंगल में मिला कांग्रेस नेता का कंकाल, गांव वालों के उड़े होश, फॉरेंसिक जांच जारी। क्रिकेटर पृथ्वी शाह पर हुआ हमला, मुंबई पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ झगड़े का मामला किया दर्ज। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को बिना चुनाव लड़े सीडब्ल्यूसी में लाने की तैयारी, कांग्रेस प्लेंट स्टेशन में होगा फैसला। परा भास्कर ने समाजवादी पार्टी नेता फहाद अहमद से की शादी और इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। सांसद खेल महाकुंभ, खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी, पीएम मोदी। अर्चना गौतम ने फहमान खान संग बेशन रंग गाने पर जमकर किया डांस, भड़क गए सुम्बुल तौकीर के फैंस। बीबीसी ने अपने 8 पत्रकारों को दिया था धोखा, अफगानिस्तान में छोड़कर भागे, अब जा सकेंगे वापस। पाकिस्तान को अजय डोभाल की 2-2, कहा आतंक के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल करने की किसी देश को इजाजत न हो। उद्यमियों का खत्म खेल, पाकी बाजार में ऑल इज वेल, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ईरान के दौरे पर जाएंगे। दिल्ली आबकारी मामला, अभिषेक बोनीपल्ली, विजय नायर समेत अन्य आरोपियों की जमानत नामंजूर। सुकेश चंद्रशेखर पर दिल्ली की महिला ने 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यूपी स्कॉलरशिप स्कैम मामले में लखनऊ समेत कई जिलों में ईडी की छापेमारी। दिल्ली, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 9 गाड़ियां मौजूद। दिल्ली, बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के आरोपी को मिली जमानत। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने को लेकर विवाद, 8 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR। केपी एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।